इस बार हम ये पूरा मेरा सफर मैं देवाशीष के नाम कर दिया है। देवाशीष जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा भी। साथ साथ ये भी कह के जाता हूं कि हिंदुस्तान को कमजोर नहीं समझना दोस्त, बहुत भारी पड़ेगा आगे के दिनों में, आपको बहुत भारी पड़ेगा। और जब ऐसा ही सोच रहा था, एक ऐसा न्यूज आया कि हमारा एक उड़ीसा का भाई चला गया, और बेफजूल ये कब खत्म होगा? क्या समझते लोग कि भारत से कोई डरा हुआ इंसान, डरा हुआ राष्ट्र, या वहां के लोग सब डरे हुए हैं, हम कुछ भी करते रहे? गलत। भारत की ताकत को आइडिया मत करना, क्योंकि आइडिया के बाहर चला गया भारत की ताकत। जैसे संविधान ने कहा है ना, ऐसा नहीं जाएगा। देवाशीष हमको शरीर से छोड़ के चला गया, लेकिन शहीद देवाशीष हमारे दिल में, हमारे पूरे देश के दिल में रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। कहा कि दादा आपको आना है, तो मैंने ये खबर सुनते ही समृद्ध को कहा कि समृद्धा तो फिर तो मुझे सत्यवादी जाना है, साक्षी गोपाल को प्रणाम करना है, राधे माँ को करना है, और उस मिट्टी को नमन करना है जहां मेरा भाई देवाशीष पैदा हुआ था, और उसी लिए मैं इधर आया। मैंने कहा कि कोई प्रचार नहीं करना, कोई माइक देख लगाना, कुछ नहीं करना, मैं फिर से आऊंगा, फिर एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन इस बार कुछ नहीं, इस बार हम ये पूरा मेरा सफर मैं देवाशीष के नाम कर दिया है। देवाशीष जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा भी। साथ साथ ये भी कह के जाता हूं कि हिंदुस्तान को कमजोर नहीं समझना दोस्त, बहुत भारी पड़ेगा आगे के दिनों में, आपको बहुत भारी पड़ेगा। भारत की ताकत को आइडिया मत करना, क्योंकि आइडिया के बाहर चला गया भारत की ताकत। जैसे संविधान ने कहा है ना, ऐसा नहीं जाएगा। देवाशीष हमको शरीर से छोड़ के चला गया, लेकिन शहीद देवाशीष हमारे दिल में, हमारे पूरे देश के दिल में रहेगा और हमेशा के लिए।